नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूबर अनुश्री की लाइफ में ऑन माय चैनल स्टूडियो कला संगम। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम केयर के बारे में, यानी कि पोस्ट डिलीवरी केयर। जब आप बेबी को लेकर घर आते हैं तो आपको कैसे अपनी केयर करनी चाहिए। ये टॉपिक इसीलिए भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि मैंने यहाँ अकेले सब कुछ मैनेज किया है और इंडिया में आपकी फैमिली होती है आपकी केयर करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब आपको सब कुछ मैनेज अकेले करना है और कोई आ नहीं सकता है और कोई इंडिया से जब आ नहीं सकता है तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन से कुछ हेल्प होगी। तो जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो सब कुछ बहुत इजी होता है ना, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है, बड़ा कन्वीनियंट होता है। इवन दो हम बहुत पेन में होते हैं बट स्टिल रिलैक्स्ड होते हैं क्योंकि हमें किसी भी चीज़ के बारे में बॉदर नहीं करना है। लेकिन एज सून एज वी रीच होम सारी स्ट्रेस जो है वो हमारी होती है क्योंकि अब आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रगल क्या होते हैं एक लड़की के ना। तो जब आप घर आते हैं, सबसे पहले उठने बैठने की प्रॉब्लम, जो आपका पेन है उसकी प्रॉब्लम, कैसे घर के काम मैनेज होंगे वो एक टेंशन होती है, प्लस आप को ब्लीडिंग हो रही होती है, फीड भी कराना है, कैसे रात भर नींद नहीं होने वाली है, तो कैसे हम ये सब कुछ मैनेज करेंगे। 15-20 डेज आपको लगेंगे थोड़ा कंफर्टेबल होने में। और आई थिंक अनुशी इज एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। उसके बाद बात आती है कि घर का काम कैसे मैनेज होगा। जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद एक स्ट्रेस ये होता है कि घर के काम कैसे मैनेज होंगे। तो आप अपने इंश्योरेंस में फोन करके पूछ सकते हैं और आपको हाउस हेल्प अवेलेबल हो सकती है। मैंने अपने इंश्योरेंस में फ़ोन किया था, उन्हें अपनी कंडीशंस बताई और उसके बाद उन्होंने मुझे हाउस हेल्प प्रोवाइड की। इवन मेरी हाउस हेल्प एक्सटेंड की गई क्योंकि मुझे आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हुई। तो आपको पता नहीं है कि आपका आफ्टर डिलीवरी टाइम कैसा होने वाला है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप अपने इंश्योरेंस ऑफिस में फोन करके पूछिए कि आपको हाउस हेल्प अवेलेबल हो सकती है या नहीं। ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके घर पहुंचने के पहले आप स्पेशली डिजाइन लेगिंग्स जो होते हैं, जो आपने अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी पहने होंगे, अगर नहीं पहने होंगे तो आप वो ऑर्डर कर लीजिए। आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग भी रखना है क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको आपके बेबी को फीड कराना है कंटिन्यूसली, तो उसके लिए हेल्दी मील खाना बहुत ज़रूरी है, टाइम पर खाना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉपर स्लीप कैसे होगी जब आपका बेबी सोए? हर कोई कहता है जब बेबी सोए तुम भी सो जाओ, बट आई नो इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेबी पूरी रात नहीं सो रहा है और ऑड टाइमिंग्स पे सो रहा है, हमें नींद नहीं आती तब। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैंने जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे आफ्टर प्रेगनेंसी मैनेज की है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके लेवल्स चेक करने हैं डायबिटीज़ के, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और वो चेकअप करेंगे, वो बताएंगे कि आपके लेवल्स नीचे आए हैं या नहीं आए हैं या वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। तो जो मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताई थी डाइट या चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल, वो आपको कंटिन्यू रखने हैं। आप एक डाइटिशियन हायर कर सकते हैं इंडिया में, आजकल तो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, मैंने भी अभी रिसेंटली ये किया है। तो वो आपको एक डाइट प्लान बना के देंगे जो कि इंडियन रेसिपीज़ का होगा क्योंकि हम सब इंडियन खाना खाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस डाइट को फॉलो करके अपनी जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मेंटेन करना। ऑफ कोर्स स्वीट्स आपको अवॉइड करने हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट शुगर आपको अवॉइड करनी है, लेकिन कैसे आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं वो आपका डाइटिशियन आपको बेटर बता पाएगा। पोस्टपार्टम केयर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका हेल्दी डाइट, और
जब आप अकेले मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, तो कौन बनाएगा हेल्दी खाना? ऑफकोर्स या तो आपके हस्बैंड को बनाना पड़ेगा या फिर आप अपने हाउस हेल्प को सिखाएंगे। मुझे बीच में वीडियो कट करना पड़ा क्योंकि कनुषी को भूख लग रही है और अनुव्या को भी भूख लग रही है। अनुव्या भी घर पर है। मेरा ब्लॉग लेट आया क्योंकि अनुव्या की तबीयत ठीक नहीं है और मैं ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, आपको बतानी थी, लेकिन वही होता है ना, घर में अगर बच्चे बीमार हैं तो आपका किसी काम में मन नहीं लगता। और नाउ शी लुक्स फाइन। अनुव्या, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गुड। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। कफ ठीक हो गया? ज्यादा नहीं। अभी भी उसको थोड़ा कफ है, तो अभी सीजन चेंज हो रहा है तो बच्चों को काफी कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो वही अनुव्या को भी हुआ एंड 3-4 दिन से घर पे है। तो अब मैं कनुषी को खिलाती हूँ खाना और उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि पोस्टपार्टम केयर में डाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या ऐसा खाना बनाएं जो बहुत इजी हो, वन पॉट डिश हो, अगर आपके हस्बैंड आपके लिए बना रहे हैं तो वो इजीली उसे बना पाए। तो मैं आज आपको एक बहुत इजी सी डिश बताने वाली हूँ, दाल दलिया। जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं वैसे ही आप दाल दलिया बना सकते हैं। वन पॉट डिश है, बहुत ही आराम से और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आई होप आपको वो डिश पसंद आएगी। और पोस्टपार्टम केयर में एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। बट आई थिंक आपके डॉक्टर्स भी आपको आफ्टर सी सेक्शन 3 मंथ्स के लिए एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं कोई भी तरह की। तो क्योंकि अब मेरी बेटी 4 महीने की हो चुकी है, तो मैंने कुछ लाइट एक्सरसाइजेस शुरू की हैं जो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप ये कैसे और कब कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइजेज हैं और मुझे अच्छी भी लग रही हैं, मेरा वेट भी धीरे धीरे लूज हो रहा है। और ये जो डिश है ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे पेरेंट्स को जब मैंने ये बताई थी ऑलमोस्ट आई गेस 7-8 years ago, तो उन्हें बड़ी पसंद आई, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, दाल बनाते हैं, दलिया अलग से बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, और मुझे कुछ इंस्टेंट चाहिए होता था तो मैं दाल दलिया बनाती थी, दाल और दलिया को एक ही पॉट में। लेकिन कैसे वो मैं चलिए आपको बताती हूँ। ओके सो हाँ, तो मैं अब अपने किचन में आ गई हूँ और अब हम बनाएंगे दाल दलिया। अनुव्या आप खाओगी? हाँ ठीक है, तो अनुव्या भी मेरे साथ बनाएगी। ओके अनुव्या? हाँ। ओके, तो दाल दलिया बनाने के लिए आपको चाहिए दलिया और कोई भी आपकी पसंद की दाल। आप इसे मसूर की दाल के साथ बना सकते हैं, मूंग की दाल के साथ बना सकते हैं, तुअर की दाल के साथ भी बना सकते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी आई थिंक कई लोग तुअर की दाल नहीं खाते हैं क्योंकि उससे गैस बनती है, तो मसूर की दाल आप यूज करिए या फिर सबसे बेस्ट होती है मूंग दाल। आज मैं मसूर की दाल के साथ बनाऊंगी। ये दाल, 3 मुट्ठी दाल, देखिए दिख रही है, तो ये 3 मुट्ठी दाल मैंने भिगो के रख दी थी। जो दलिया जिसे हम कहते हैं इंडिया में, वो जर्मनी में इस बुल्गर नाम से आपको मिल जाएगा। ये मैंने एडेका से खरीदा है, एडेका ही ब्रांड का है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। टर्किश शॉप पे भी मिलता है, एशियन शॉप पे भी मिल जाएगा, किसी भी इंडियन ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाएगा। और इसके ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, छोटा दलिया होता है, थोड़ा मोटा दलिया होता है, आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से, बट उसमें पानी की जो मात्रा होगी वो डिफर करेगी, ठीक है। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपने उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के। आज जो मैंने की है वो है ये, मैंने ली है कैरेट, बीन्स और स्प्रिंग अनियन और फिर थोड़ा सा टोमेटो। मेरे पास ज्यादा वेजिटेबल्स नहीं है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, थोड़ा गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और मैं इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। आप डिसाइड कर सकते हैं आपके दाल दलिया के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद मुझे इसमें बस वही बेसिक मसाले चाहिए। देखिए, बहुत ऐसी कोई डिफिकल्ट रेसिपी नहीं है, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको बनानी है। थोड़ी सी राई मैंने इसमें डाली है और थोड़ा सा ज़ीरा, और मेरे पास कड़ी पत्ता भी था तो मैंने आज वो भी डाल दिया बघार में, अच्छा लगता है।
लगता है। आप भी ये शब्द यूज करते हैं क्या, बघार लगाना? और देखिए फिर मैंने यहाँ पे डाला है गार्लिक, इन सबको थोड़ा सा पका के इसमें मैं अब अपनी वेजिटेबल्स डाल दूंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। थोड़ा सा इसको मैं चलाते भी रहूंगी और आप अपनी आँच भी ना मेनटेन रखिएगा, क्योंकि ज़रा भी तेज़ होगा तो फिर वो नीचे से जो है लगने लग जाएगा और वो एक्चुअली उसका भी फ्लेवर आता है। तो कहते हैं ना अच्छी कुकिंग में आँच का बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये देखिए ये कितना कलरफुल लग रहा है ना। मुझे तो वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है एंड स्पेशली सिंपल कुकिंग मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, जो टेस्टी भी लगे और इजी भी हो। और अब इसमें मैं डाल दूंगी वही हमारे बेसिक मसाले, हल्दी हो गया, थोड़ा सा सूखा धनिया भी मैं इसमें डालती हूँ अराउंड एक बड़ा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल दीजिए एंड लाल मिर्च को स्किप कर दीजिए। और फिर गरम मसाला भी मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप चाहें तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। जब आपने बघार लगाया था ना स्टार्टिंग में, तब आप इसमें थोड़ा सा तेज पत्ता और मोटी इलायची डाल दीजिए, वो भी अच्छी लगती है। और बस इस सब के बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें अपना दाल और ये जो दलिया जो मैंने आपको बताया था ना बुलगर नाम से आप यहाँ जर्मनी में खरीद सकते हैं। इंडिया में तो हर तरीके का दलिया बड़ी आसानी से मिल जाता है। मुझे याद है कि मेरी मम्मी भी लेकर आती थी, मोटा दलिया, पतला दलिया, आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बस ये दलिया इसमें डाल दिया है। इसका रेशियो भी कुछ खिचड़ी की तरह ही होता है, बट आप जैसे अगर आपके पास दो कटोरी दाल है तो आप आधे से पौन कटोरी जो है दलिया ले सकते हैं। और जिस तरीके से आप खिचड़ी में पानी ऐड करते हैं इसमें भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, पर इसमें दलिया का जो साइज़ है, अगर आप मोटा दलिया ले रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पतला दलिया ले रहे हैं तो पानी थोड़ा कम लगेगा। और फिर एंड में मैंने नमक डाल दिया है इसमें और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। मैंने कुकर लगा दिया है, दलिया बनने रख दिया है, थोड़ी ही देर में बन जाएगा। अगर आपके कुकर में सीटी लगती है तो एक बॉईल आने के बाद आप उस पर दो सीटी लगा लीजिए और आपका दाल दलिया बन जाएगा। पानी की जो क्वांटिटी है वो दलिये पे बहुत डिपेंड करती है। मेरा ये दलिया है, ये बारीक वाला दलिया है, तो इसमें पानी कम लगता है। अगर आपने मोटा दलिया लिया है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा लीजिए और बनाते बनाते ना आपको समझ में आ जाएगा। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली ही पसंद है, लेकिन आप चाहें तो खिला खिला पुलाव जैसा भी बना सकते हैं, तो वो आपको बनाते बनाते समझ आ जाएगा कि कैसे आपको कंसिस्टेंसी पसंद है। अनुज्ञा आपको याद है जब मम्मा ईवा को लेकर घर आई थी? हाँ। कैसा लगा था आपको ईवा को? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा। और मैं मेरे को याद है जब आप गई थी मैं रोई थी। हाँ एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो अनुज्ञा बहुत रोई थी, वो बहुत डर गई थी कि मैं कब वापस आऊंगी और वो कैसे रहेगी मेरे बिना। इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल डे, बट मैंने अनुव्या को समझाया कि मैं बेबी को लेने जा रही हूँ, बेबी को साथ लेकर आऊंगी, तो पर फिर वो ओके थी। कुछ याद है जब आप प्रेग्नेंट थी और हमारे घर में थी, हम गेम्स खेलते थे। आई थिंक हमने अपने एक व्लॉग में भी दिखाया है, मेरा फर्स्ट या सेकंड व्लॉग होगा, फर्स्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खेलती थी तब, मेमोरी गेम्स खेलते थे हम लोग, ऊनो खेलते थे एवरी डे, स्नेक एंड लैडर खेलते थे एवरी डे हम लोग खेला करते थे, है ना। और अब क्योंकि कनुषी आ गई है तो मेरे पास बहुत सारा काम होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता है खेलने के लिए, बट हम लोग जल्दी ही खेलेंगे और हम उस पर भी एक व्लॉग बनाएंगे कि एज अ फैमिली हम कौन कौन से गेम्स खेलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में उनो खेल सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स। आप मुझे बताइए आप में से कौन कौन अपनी फैमिली के साथ उनो खेलता है, क्योंकि और अगर आपके पास कोई फैमिली गेम्स का सजेशन है तो हमें ज़रूर बताइए, स्पेशली
फ्राइडे नाइट को हमारा हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम हर बार बस मूवी देखें। मुझे लगता है हम कभी कभी कुछ खेलें भी ना, तो हर बार वही ऊनो, स्नेक एंड लैडर और मेमोरी गेम्स हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। अगर कुछ और भी है जो आप अपनी फैमिली के साथ खेलते हैं तो हमें बताइएगा, हम लोग जरूर वो खेलेंगे। हाँ, और मंगाएंगे भी। हाँ, हम वो ऑर्डर कर लेंगे। तो वही है कि आप बताइएगा, और उस गेम को हम कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा दाल दलिया रेडी हुआ है या नहीं। मेरे पास जो कुकर है उसमें सीटी नहीं लगती है, तो मुझे अंदाजन उसे पकाना होता है। चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि WMF के जो कुकर होते हैं यहाँ जर्मनी में, उसमें मैं कैसे खाना पकाती हूँ और उसमें कैसे उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रख सकते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके का कुकर होगा आपके पास अगर आपने WMF का ख़रीदा है। स्टार्टिंग में मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इसमें कैसे अच्छे से कुकिंग करते हैं। तो बेसिकली आप जब आपने खिचड़ी या दलिया या दाल या राइस जो भी बनने आपने इसमें रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑफकोर्स पानी लिया होगा। तो आपको ये जो एक नॉब दिख रही है जिसमें ये पीली सी रिंग आपको दिख रही है ना, तो ये नॉब आपकी पूरी ऊपर तक उठ जाएगी एक टाइम पर। इसका मतलब है कि आपके कुकर में इनफ स्टीम अब है, तो आपको उस पॉइंट पर जो अपनी फ्लेम है उसको लो करना है, और फिर जो भी डिश आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर इसे स्टीम देना है और आपकी जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। जैसा कि मेरी ये डिश यहाँ पर रेडी हो चुकी है, मेरा दाल दलिया जो कि बहुत ही यमी दिख रहा है, और ये देखिए, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे पसंद है। आप इसे खिला खिला पुलाव की तरह भी बना सकते हैं। फिर इसे आप सर्व कर लीजिए किसी एक बाउल में। और देखिए, ये मेरे बाउल पे लिखा हुआ है, एंजॉय योर लाइफ, लिव इट, लव इट, एंजॉय इट। मेरा दाल दलिया बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एंड जैसे कि मैंने बताया, अनुव्या को आज कोल्ड एंड कफ है, तो अगर बच्चों की तबीयत खराब हो तभी बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। एकदम उसको थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म आप बच्चों को खिलाएं, उन्हें बहुत पसंद भी आएगा, बहुत लाइट होगा डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। एंड आफ्टर डिलीवरी आपके लिए लंच या डिनर की ये बहुत अच्छी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी बहुत सारी गुड विशेस दीजिए, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जहां पर हम इस बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे हमारी पोस्टपार्टम केयर के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस कर रही हूं जो आफ्टर डिलीवरी आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, अनुव्या व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मे बी मैं आपको कुछ बताना भूल गई होंगी, या तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या किया, तो मुझसे ज़रूर पूछिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मुझे ये पता लगेगा कि आप मेरा पूरा ब्लॉग देख रहे हैं, उसे इंजॉय कर रहे हैं। और एक और चीज़ अनुव्या, लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमें पता लगेगा कि आप हमारे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, और हम और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आएंगे। जैसे कैसा रहेगा अनुव्या अगर हम दिखाएं हमारा डेली रूटीन? अच्छा रहेगा। हाँ, सुबह से शाम वाला रूटीन है ना। हाँ। कि हम क्या करते हैं मेरे तीनों बच्चों के साथ, मेरी मॉर्निंग कैसे होती है, सारे काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, है ना। हाँ। पूरे दिन का एक व्लॉग। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। क्या आप देखना चाहते हैं ये, तो मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट करेंगे, मेरे व्लॉग को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक। यस, और लाइक करेंगे। ओके, तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय। बाय बाय।